हेलो गाइस, वेलकम टू चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी अगेन। अगर आप CSIR का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अनअकैडमी आपके लिए लाया है कंप्लीट कोर्स CSIR जून 2021 के लिए। और ये बैच जो है स्टार्ट कर रहा है अनअकैडमी 1 जनवरी 2021 से, तो अभी कुछ ही दिन बचे हैं, मुश्किल से 8-10 दिन। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस कंप्लीट कोर्स के लिए, क्योंकि CSIR जो है और टफेस्ट एग्जामिनेशन है, और अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हैं अनअकैडमी के साथ, तो अनअकैडमी के पास बहुत सारे टॉप एजुकेटर्स हैं, जैसे पंकज कुमार, गजेंद्र पुरोहित, नूरुल हुड्डा, जागृति शर्मा, ज्योति कुमारी, आरती रानी, खुशबू अग्रवाल, सुरभि उपाध्याय, सत्येन सोनी, ललित कुमार, ये जो सारे टॉप एजुकेटर्स हैं अनअकैडमी के, आपको कंप्लीट प्रिपरेशन कराने वाले हैं CSIR जून 2021 के लिए। बैच जल्दी स्टार्ट होने वाला है। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं CSIR के लिए तो इन बैच को जरूर ज्वाइन कीजिए, बहुत जल्दी ज्वाइन कीजिए इस बैच को, क्योंकि कुछ ही सीट्स जो है लेफ्ट है, प्लस कुछ ही दिन लेफ्ट है। यहाँ पे प्राइस हाइक जो है करने वाला है अनअकैडमी 25 दिसंबर से। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो एनरोल कीजिए और अपना जो CSIR UGC नेट का सब्सक्रिप्शन है वो आज ही लीजिए अपकमिंग बैचेस के लिए। अगर आप जाते हैं वहाँ पे कोर्स के लिए सब्सक्रिप्शन करते हैं, तो अगर आपको 10% का डिस्काउंट चाहिए तो हमारे चैनल का जो रेफरल कोड है BOTNY10, वो वहाँ पे ज़रूर यूज़ कीजिए सब्सक्रिप्शन लेते टाइम। और फिर वहाँ पे आपका जो टोटल प्राइस होगा उस पे आपको 10% का डिस्काउंट आपको मिलेगा वहाँ पे। तो अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं CSIR के लिए अनअकैडमी के साथ विद टॉप एजुकेटर्स, तो आज ही सब्सक्राइब कीजिए और ये रेफरल कोड मत भूलिएगा। लिंक जो है इस न्यू बैच का इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आते हैं हम अपने वीडियो पे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी अगेन। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंह, और इस वीडियो में मैं पार्ट 3 कर रहा हूं हमारे रेस्पिरेशन वाले सीरीज के, जो कि जो भी आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी तक के रेस्पिरेशन से, पूरा BHU का जो भी 2008 से लेके 2020 का आपका क्वेश्चन पेपर है, आप देखेंगे तो उसमें यही जो सारे क्वेश्चन हैं ये रेस्पिरेशन से आए हुए हैं। बहुत इजी इजी क्वेश्चन हैं, आप अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो सारे जो क्वेश्चंस हैं आप आराम से सॉल्व कर लेंगे। तो हमारे लेक्चर में हम आपको नोट्स भी प्रोवाइड करा रहे हैं, फिगर्स भी दिखा रहे हैं, ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है एकदम से रेस्पिरेशन के लिए क्लियर हो जाए। हमने क्वेश्चन नंबर 11 से लेके जो है अभी जो है क्वेश्चन नंबर 20 तक का जो है इसका सेकंड पार्ट भी बना चुके हैं, और उससे पहले इसका फर्स्ट पार्ट भी हम बना चुके हैं। अगर आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो ये जो आपका आई का बटन आया यहाँ पे, इस पे आप क्लिक करिए और पार्ट फर्स्ट देखिए। और अगर अभी तक आपने पार्ट सेकंड नहीं देखा है तो ये जो आई का बटन आया इस पे आप क्लिक करके पार्ट सेकंड पे भी जा सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में हम चलते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 21 से, और बाकी जो क्वेश्चन बचे हुए हैं उसके बारे में उसका आंसर विद एक्सप्लेनेशन आपको बताते हैं, आपको इंटरलिंकिंग भी बताएंगे और सजेशंस भी देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 21 इज विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज अ माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स एंजाइम। इसमें पूछा गया है कि कौन सा इसमें से एंजाइम है जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स का एंजाइम है, मतलब जो मैट्रिक्स में रहता है, मेम्ब्रेन में नहीं रहता है। ओके, एल्डोलेज है, एमाइलेज है, सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज है या पाइरवेट डिहाइड्रोजिनेज है। तो आप ये देखेंगे ऑल द एंजाइम्स एक्सेप्ट सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज, तो सारे एंजाइम जो आपके एल्डोलेज होते हैं, एमाइलेज होते हैं, पाइरवेट डिहाइड्रोजिनेज होते हैं, ये सारे एंजाइम आपका कहाँ पे मिलेगा? ये आपका क्रेब साइकिल, एक्चुअली फर्स्टली तो ये क्रेब साइकिल में जो होते हैं यूज़ होते हैं वो सारे ये मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैं, जो आपके एल्डोलेज हैं, एमाइलेज हैं, पाइरवेट डिहाइड्रोजिनेज हैं, ये मेम्ब्रेन के अंदर लगे हुए होते हैं। प्रोटीन आपने पढ़ा होगा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, तो वहाँ पे पेरिफेरल प्रोटीन्स होती हैं, इंटीग्रल प्रोटीन्स होती हैं, तो ये सारे हैं आपके एल्डोलेज, एमाइलेज, पाइरवेट डिहाइड्रोजिनेज, या किसी न किसी फॉर्म में ये आपके मेम्ब्रेन से एसोसिएटेड रहते हैं। पर यहाँ पे एक एंजाइम ऐसा है जो आपका सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है, ये माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में रहता है, ठीक है।
और देखिए क्रिप साइकिल जब आप पढ़ते हैं, मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि जब आपको पढ़ना है यहाँ पे सीक्वेंस पढ़ना है, सीक्वेंस से भी क्वेश्चन आए हैं, कहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह निकलता है वो आपको पता होना चाहिए, NADH2 कहाँ पे बन रहा है, GTP कहाँ पे बन रहा है, FeDH2 कहाँ पे बन रहा है वो भी आपको याद रखना है, और एंजाइम्स भी याद रखने हैं आपको विथ लोकेशन जो यूनिक है, जैसे सक्सिन डीआरडीजन यूनिक है कि वो मैट्रिक्स का एंजाइम है, तो यहाँ पे कहाँ पे एल्डोलेज लगा है, कहाँ पे पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज से पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज यहाँ पे है, ऐसे आपको एल्डोलेज देखना होगा और भी जो चीज़ें हैं ठीक है वो कहाँ पे है, तो सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज जो है आपका वो कहाँ कैसा है, आपको माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं, ड्यूरिंग EMP पाथवे, मतलब इंबिडन मेयर हाफ पाथवे जो मैंने आपको बताया था, ग्लाइकोलिसिस ही एक्चुअली ATP कह रहा है किससे प्रोड्यूस होता है, मतलब कैसे ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन होता है वहाँ पे, साइक्लिक फास्फोरिलेशन होता है, सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन होता है, या फोटो फास्फोरिलेशन होता है। तो मैं आपको बता दूँ फोटो फास्फोरिलेशन मतलब लाइट के प्रेजेंस की वजह से ये फोटोसिंथेसिस में होता है, और साइक्लिक फास्फोरिलेशन भी वहाँ पे उसी का ही है, नॉन साइक्लिक और साइक्लिक या फोटोसिंथेसिस में पढ़ते हैं। अब यहाँ पे जो रेस्पिरेशन है यहाँ पे दो चीज़ दो टाइप से आपका फास्फोरिलेशन हो सकता है, फास्फोरिलेशन मतलब ATP का सिंथेसिस होना, या तो ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन या सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन। ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन आप देखते हैं जैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ठीक है, वहाँ पे सबस्ट्रेट आपका डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होता, इनडायरेक्ट जो होता है इन्वॉल्व होता है, वहाँ पे ATP आपका प्रोड्यूस होता है, जैसे NADH2 FADH2 जो है NADH2 कॉम्प्लेक्स फर्स्ट को अपना इलेक्ट्रॉन देता है और FADH2 कॉम्प्लेक्स सेकेंड को इलेक्ट्रॉन देता है, फिर को एंजाइम क्यू वहाँ पे कैरी करता है कॉम्प्लेक्स थर्ड की ओर, फिर कॉम्प्लेक्स थर्ड से कॉम्प्लेक्स फोर को जाता है साइटोक्रोम सी के द्वारा, और फिर ऐसे जो प्रोटॉन्स वहाँ पे होते हैं उसका यूज़ करके हम प्रोटॉन मोटिव फोर्स वहाँ पे जनरेट होता है, उससे हम ATP का जनरेट करें, तो वो ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन है। पर जो आपका ग्लाइकोलिसिस में मतलब EMP पाथवे में जो ATP बनता है ये सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन होता है। ये देखिए एक्सप्लेनेशन यहाँ पे, द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ग्लाइकोलिसिस इज इंबिडन मेयर हाफ पार्नेस पाथवे जो कि आपका EMP पाथवे है। सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन क्या होता है, जहाँ पे ग्लाइकोलिसिस में जो सबस्ट्रेट बनते हैं सबस्ट्रेट ही डोनेट करे डायरेक्टली ADP को फास्फेट, सबस्ट्रेट है उसमें फास्फेट जैसे ग्लूकोज 1,6 फास्फेट हो गया, फ्रक्टोज 6 फास्फेट, 6 फास्फेट मतलब 6 पोजीशन में फास्फेट लगा हुआ है और ये सबस्ट्रेट है, ग्लाइकोलिसिस में इंटरमीडिएट प्रोडक्ट चाहिए ठीक। ये जो है ये जब अपना फास्फेट ADP को दे दें और उससे ATP बन जा रहा है तो ये इसको हम क्या बोलते हैं, सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन ठीक है। ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन में ऐसा नहीं होता कि सबस्ट्रेट अपना डायरेक्टली फास्फेट दे दे ADP को ठीक है, तो ये क्या हो गया सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं हम, ऑर्गेनिक एसिड सच एज ऑक्सैलिक एसिड इज रिलेटिवली रिचर इन ऑक्सीजन कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट ठीक, कह रहा ऑर्गेनिक एसिड जो होता है ऑक्सैलिक एसिड एक्सेट्रा वो जनरली ऑक्सीजन रिच कंपाउंड होते हैं कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट, सो आर क्यू वैल्यू ऑफ ऑर्गेनिक एसिड फॉर कम्प्लीट ऑक्सीडेशन विल बी, कह रहा है अगर ऑर्गेनिक एसिड्स का कम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है तो उसका आर क्यू वैल्यू क्या होगा। सबसे पहले आप समझिए आर क्यू वैल्यू वैल्यू जो है आपका वो स्टैंड करता है रेस्पिरेटरी कोशेंट के लिए ओके, एंड इट इज़ द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम और वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस टू द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम, मतलब ये रेशियो है आपका कितना कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पे बन रहा है और कितना ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रोड्यूस हो रहा है और फिर वहाँ पे ऑक्सीजन कितनी कंज्यूम हुई है रेस्पिरेशन में ठीक, ऑक्सीजन कंज्यूम और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस इन दैट रिएक्शन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इट्स वैल्यू कैन बी 1, 0, मोर देन 1 और लेस देन 1। ये जो वैल्यूज होती हैं ये आपका वरी करता है कि सबस्ट्रेट कैसा है उस पर ठीक है। रेशियो देखिए आर क्यू वैल्यू इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व, CO2 कितना इवॉल्व हो रहा है उसको आप डिवाइड कर दीजिए कितना उसमें O2 लगा, O2 कहाँ पे लगता है रेस्पिरेशन में आपको पता है कि वहाँ पे ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन में। तो अब बात आती है आपका आर क्यू वैल्यू कब इक्वल होता है यूनिटी के, यूनिटी का मतलब वन, जहाँ पे
जब जैसे सबस्ट्रेट का कोई रेस्पिरेशन में कोई सबस्ट्रेट इन्वॉल्व, सबस्ट्रेट देखिए अलग अलग हो सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, फैट हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है, या आपका ऑर्गेनिक एसिड हो सकता है जैसे मैलिक एसिड या ऑक्जेलिक एसिड हो गया। तो ये जो सबस्ट्रेट है इनका रेस्पिरेशन अलग, मतलब जो अब रेस्पिरेशन होगा ही, अब कोई कोई सबस्ट्रेट में ऑक्सीजन जितना लगता है कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब वो किसी में ज़्यादा निकलता है किसी में कम निकलता है, तो वो जब आप रेशियो करेंगे तब वो किस सबकी सबस्ट्रेट के लिए अलग अलग आता है। जैसे अगर आप कार्बोहाइड्रेट की बात करेंगे, वहाँ पे कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, 6CO2 इसमें इवॉल्व होता है मान लीजिए, और 6CO2 वहाँ पे यूज़ होता है, ठीक है, एब्जॉर्ब हुआ आपका, तो 6 डिवाइडेड बाय 6 करेंगे कितना आएगा, 1 आएगा। तो कार्बोहाइड्रेट्स का जो रेस्पिरेटरी कोशेंट होता है वो 1 होता है, ठीक, अगर वो रेस्पिरेटरी सब्जेक्ट रहे हैं रेस्पिरेशन में। ओके, अब लेस देन यूनिटी कब होता है, मतलब 1 से कम कब होता है, और 1 से कम कब होगा आपका, जब ऊपर वाली जो संख्या है वो आपका कम रहे नीचे वाली संख्या ज़्यादा हो, मतलब कार्बन कम इवॉल्व हो और O2 उसमें ज़्यादा लगे। ऐसा किस सबस्ट्रेट में होता है, RQ जब लेस देन 1 कब होगी, जब रेस्पिरेशन एरोबिक होगा, लेकिन रेस्पिरेटरी सब्जेक्ट जो होगा ये फैट होता है या क्या होता है प्रोटीन होता है, तो वहाँ पे जो RQ वैल्यू होता है वो कम आती है। जैसे RQ वैल्यू इज़ अबाउट 0.7 फॉर मोस्ट कॉमन फैट्स, फैट के लिए RQ वैल्यू क्या होती है 0.7, क्योंकि जो फैट्स होते हैं आपके ये आप देखेंगे कार्बन या हाइड्रोजन के मोस्टली बने हुए होते हैं, ठीक है। तो इसमें जो होता है कार्बन तो कम निकलता है लेकिन O2 ज़्यादा एब्जॉर्ब होता है, ठीक, क्योंकि फैट्स में आप देखेंगे एनर्जी ज़्यादा निकलती है, ओके, कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक। तो इट अकर्स ड्यूरिंग जर्मिनेशन ऑफ फैटी सीड्स, RQ 0.9 होता है, ये भी 1 से कम ही है प्रोटीन्स के लिए, पेप्टोन्स के लिए। तो अगर आपसे पूछा जाए कि RQ वैल्यू 1 कब होती है तो आप क्या बताएंगे, कार्बोहाइड्रेट। अगर RQ वैल्यू 1 से कम पूछा जाए तो उसमें दो चीज़ें आती हैं, फैट्स और प्रोटीन। 0.7 होता है फैट्स के लिए, 0.9 होता है प्रोटीन्स के लिए, ठीक। RQ वैल्यू 0 कब होगी, सकलेंट्स आपको पता है, सकलेंट्स वहाँ पे जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व ही नहीं होता ड्यूरिंग नाइट व्हेन देयर स्टोमेटा आर ओपन, ठीक, एट द सेम इज यूज इन कार्बन फिक्सेशन, क्योंकि यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता भी है अंदर वो कार्बन फिक्सेशन में यूज़ कर लिया जाता है। दे आल्सो चेंज कार्बोहाइड्रेट टू ऑर्गेनिक एसिड विच यूटिलाइज ऑक्सीजन बट डू नॉट इवॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड। अब वो कार्बोहाइड्रेट को जो होते हैं अपने वो ऑर्गेनिक एसिड में वो कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं, तो वहाँ पे जो होता है ऑक्सीजन तो यूटिलाइज होता है बट कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पे इवॉल्व नहीं होता। जब कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व नहीं होगा तो क्या होगा, 0/0 इज इक्वल टू 0, ठीक, या 0/1 जो भी हो 0 ही हो गया आपका। अब RQ वैल्यू 1 से ज़्यादा कब होती है आपकी, RQ वैल्यू 1 से ज़्यादा कुछ होती है और वो पाया गया है ऑर्गेनिक एसिड में, जब वो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट होते हैं एरोबिक कंडीशन में, जैसे 4 RQ वैल्यू आपका 4 होता है। 4 का मतलब क्या हो गया आपका, 4 का मतलब होता है ऊपर वाली संख्या ज़्यादा है नीचे वाली संख्या कम है, मतलब O2 कम एब्जॉर्ब होती है लेकिन CO2 उसमें ज़्यादा निकलता है, तो ऐसा ऑक्सैलिक एसिड है जहाँ पे 4 होता है। 4 का मतलब क्या हो गया, 4/1 कर लीजिए आप, ठीक है, 4/1, मतलब 1 O2 अगर लग रहा है तो उसके बदले 4 CO2 निकल रहा है, तो ये आपको ऑक्सैलिक एसिड में मिलेगा। 1.3 होता है मैलिक एसिड के लिए, 1.14 होता है सक्सीनिक एसिड के लिए, ठीक। और एनरोबिक रेस्पिरेशन में वहाँ पे ऑक्सीजन का कोई कंजम्पशन नहीं होता, आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में, देयरफॉर रेस्पिरेटरी कोशेंट इज इन्फिनिटी, मतलब वहाँ पे इन्फिनिटी वाला फिर केस आ जाता है। कहाँ पे, एक तो ये एक से ज़्यादा वाली हो गई, 4 हो गया, 1.3 हो गया, 1.14 हो गया, पर एक इन्फिनिटी वाला भी सिचुएशन आता है, इन्फिनिटी वाला जहाँ पे आपका एनरोबिक मतलब ऑक्सीजन का यूज ही नहीं हो रहा, तो नीचे वाली जो वैल्यू है ये आएगी नहीं, CO2 अपना इन्फिनिटी जितना मन करे उतना इवॉल्व होता रहेगा, तो वो इन्फिनिटी, ठीक। तो ये सब RQ वैल्यूज़ हैं, RQ वैल्यू का आपसे कोई पूछे इट इज़
CO2 evolve during respiration of a substrate, CO2 evolve versus O2 absorb. तो ये हो गया, ठीक। अभी क्वेश्चन पे आते हैं, एक और क्वेश्चन था ऊपर, शायद मैं इसे स्किप कर दिया हूँ। रेस्पिरेटरी क्वेश्चन किसे बोला जाता है? रिलेशन है ये बॉडी टेम्परेचर या रेस्पिरेशन रेट में, रेशियो है या CO2 प्रोड्यूस टू ऑक्सीजन कंज्यूम। तो आपको पता है, मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि ये जो है रेस्पिरेटरी क्वेश्चन क्या है, CO2 कितना प्रोड्यूस हो रहा है और सॉरी थर्ड वाला है एक्चुअली जिसका अपोजिट है, O2 कितना कंज्यूम हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन है, कंज्यूम आप करेंगे। ऑक्सीजन हम किस लिए ले रहे हैं? सांस हम लेते हैं, ऑक्सीजन जा रहा है हमारे अंदर ताकि हम फूड का ये रेस्पिरेशन में ही आगे जाके वहाँ पे काम होगा, तो वो हम कंज्यूम कर रहे हैं। CO2 हमें यूज़ नहीं करना है, तो उसे हम रिलीज़ कर रहे हैं। तो इसलिए ये क्या है, रेशियो है O2 कंज्यूम वर्सेस CO2 रिलीज्ड का, तो इसलिए थर्ड होगा। तो यही है रेस्पिरेटरी क्वेश्चन, इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस, कार्बन डाइऑक्साइड हमेशा हम प्रोड्यूस करेंगे, टू द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम इन रेस्पिरेशन ओवर अ टाइम ऑफ पीरियड। इट्स वैल्यू कैन बी वन, जीरो, मोर देन वन और लेस देन वन, जैसा कि मैंने आपको बताया। कब कब ऐसा होगा? एक होगा कार्बोहाइड्रेट के केस में, लेस देन वन होगा फैट्स और प्रोटीन के केस में, ये दोनों वैल्यूज याद रखिएगा। सकलेंस के केस में क्या होगा? आरके वैल्यू जीरो होगा। मोर देन यूनिटी कब होगा? जब आप ऑक्सैलिक एसिड, मैलिक एसिड, सक्सिनिक एसिड का यूज़ करेंगे, और एनरोबिक रेस्पिरेशन में ये इनफिनिटी होता है, ठीक। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। रेस्पिरेटरी क्वेश्चन फॉर जर्मिनेटिंग कार्बोहाइड्रेट सीडेस, सीधा सवाल है। कार्बोहाइड्रेट वाले सीड मतलब कार्बोहाइड्रेट रेस्पिरेटरी प्रोडक्ट है, तो क्या होगा आपका रेस्पिरेटरी क्वेश्चन वन, मतलब रेस्पिरेटरी क्वेश्चन है मतलब कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रोड्यूस हो रहा है डिवाइडेड बाय ऑक्सीजन कितना कंज्यूम हो रहा है, तो दोनों बराबर होते हैं। छः कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस किया, छः ऑक्सीजन लग रहा है, तो एक आ गया आपका, ओके। क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉन मूवमेंट फ्रॉम FADS टू 2O2 इन माइटोकॉन्ड्रिया, मतलब किसके बारे में बात हो रही है? ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन, मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की। कह रहा नंबर ऑफ ATP मॉलिक्यूल प्रोड्यूस्ड आर, कह रहा अगर FADS2 से इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है O2 तक माइटोकॉन्ड्रिया में, मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, तो कितना ATP निकलेगा? तो मैंने आपको बताया था वहाँ पे कि जो आप NADH2 से ज़्यादा ज़्यादा ATP बनता है कंपेयर टू FADS2, तो FADS2 से 2 ATP निकलता है, ठीक है। ये देखिए NADH2 से 3 ATP, FADS2 से 2 ATP, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका? थर्ड, 2, ओके। तो यहाँ पे मत जाइएगा, ये थोड़ा अच्छा, हाँ सही तो है, थर्ड, 2, ठीक है, 2। तो ये क्यों निकलेगा? मैंने आपको इसको एक्सप्लेनेशन भी बताया था, क्योंकि जो NADH2 है वो अपना इलेक्ट्रॉन फर्स्ट को देता है, फिर 4 प्रोटॉन पंप करता है इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में। FADS2 अपना किसको देता है? कॉम्प्लेक्स सेकंड को देता है, तो कॉम्प्लेक्स सेकंड भी पंप करता तो है 4, लेकिन उसके बाद जब कॉम्प्लेक्स थर्ड के पास ये पहुंचता है, ठीक है, फिर वहां से 4 पंप होगा, नहीं एक्चुअली इलेक्ट्रॉन पंप, एक मिनट मुझे आप उस क्वेश्चन पे पहुंचने दीजिए, तो मैं आपको ज़्यादा अच्छे से बता पाऊँगा कि इस फिगर में सब कुछ क्लियर है। तो ये वाला जो है आप नोट कर लीजिएगा, मैं आपको फिगर दिखा रहा हूँ, इसमें आपको अच्छे से पता चल जाएगा। ये देखिए, फर्स्ट वाला इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पंप करता है, थर्ड वाला करता है, क्योंकि होता क्या है, NADH जो है ये इलेक्ट्रॉन जब इसको देता है तो 4 प्रोटॉन पंप होता है, वहीं FADS2 सेकेंड को देता है, और फिर जब सेकेंड वाला का इसका इलेक्ट्रॉन कोएंजाइम क्यू को जाता है, जब ये इसको इलेक्ट्रॉन देता है तब ये 4 पंप करता है, तो FADS2 से केवल 6 प्रोटॉन पंप होता है, तो 6 का मतलब 3 प्रोटॉन से लगभग एक ATP बनता है, इसीलिए FADS2 से केवल 6 ही प्रोटॉन पंप होते हैं, तो आप कहेंगे कि इससे 2 ही ATP बनेगा। वहीं NADH2 ये कॉम्प्लेक्स फर्स्ट को देता है, थर्ड को देता है, फिर फोर्थ को जाता है इसका इलेक्ट्रॉन, तो तीनों पंप करते हैं, तो 4, 4, 8, तो 10, 10 का मतलब 3, 3 पे एक ATP बनता है, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 3
आप मतलब कर लीजिए 3 × 3, वहाँ पे कितना होगा, 3 की पॉसिबिलिटी। ओके, तो इसीलिए बोला जाता है कि जो NADH2 है उससे 3 ATP निकलता है, और जो FeDH2 है इससे हमें 2 ही ATP बनता है। तो ये क्वेश्चन में भी जनरली पूछा जाता है, ये सब काउंट करना आप सीखिए, कहाँ पे कितना बनता है, ग्लाइकोलिसिस में कितना ATP बना, कितना FeDH2 बना, ये सब आपको याद रखने वाली चीज़ है, क्योंकि ये शो करता है ये आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर है कि नहीं है। जैसे यहाँ पे सब कुछ बताया गया है कि ग्लाइकोलिसिस में 6 8 ATP बनता है, 6 ATP इससे आया, 2 NADH2 से 3 3 6, और 2 डायरेक्ट निकलता है ATP। ऐसे एस्टिल को एंजाइम में जब बनता है पायरुवेट से एस्टिल को एंजाइम में, तो यहाँ पे भी 2 NADH निकलता है, तो 6 ATP उसका मान लीजिए। क्रेब्स साइकिल में पूरा का पूरा ये मान लीजिए 18 4 22 24, तो 24 6 30, 30 8 38 पूरा हो गया, ये हो गया। 27 पे आते हैं, सबस्ट्रेटेबल फास्फोरिलेशन टेक्स प्लेस इन क्रेब साइकिल इन बिटवीन। कह रहा है क्रेब साइकिल में पूछा, एक बार पूछा था आपसे ग्लाइकोलिसिस में, यहाँ पे पूछा है क्रेब साइकिल में सबस्ट्रेटेबल फास्फोरिलेशन कहाँ पे होता है। ठीक, तो आपको पता है फास्फोरिलेशन का मतलब ATP या GTP बनना, और ये क्रेब साइकिल में केवल एक ही जगह पे होता है। ये देखिए यहाँ पे सक्सिनिल को एंजाइम से जब सक्सिनेट बनता है तब उसी में आपका GTP प्रोड्यूस होता है, तो कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है कि सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन कब हो रहा है आपका। ठीक, एक ही बार यहाँ पे निकल ही रहा है, ठीक है, तो क्रेब साइकिल में। तो यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया, सक्सिनिल को एंजाइम टू सक्सिनेट, तो सक्सिनिक को एंजाइम में टू सक्सिनेट या सक्सिनिक एसिड वही हुआ, तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, 1। नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28। अल्टरनेटिव नेम क्या है क्रेब साइकिल का, तो बहुत आसान है, साइट्रिक एसिड साइकिल। साइट्रिक एसिड साइकिल मतलब इसको TCA साइकिल भी बोलते हैं, साइट्रिक एसिड, क्योंकि यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड यहाँ पे बनता है वो क्या होता है, साइट्रेट बनता है, या जिसे साइट्रिक एसिड आप बोलते हैं, इसीलिए इसका नाम साइट्रिक एसिड भी है। TCA क्यों बोलते हैं, कि ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल है ये। ठीक, ट्राई कार्बोक्सिलिक का मतलब इसे ही बोला जा रहा है, आप साइट्रेट का अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो यहाँ पे 3 कार्बोक्सिलिक, ये देखिए कहाँ गया, ये देखिए 1 2 3 फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है, ये क्या है, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो इसलिए इसका नाम और यही भी है होता है, क्रेब साइकिल तो है ही है, तो इसलिए इसका नाम ये भी होता है, क्रेब साइकिल तो है ही है। क्या आप लेंगे, साइट्रिक एसिड साइकिल। क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं, द फर्स्ट 5 कार्बन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड इन क्रेब साइकिल। कह रहा है जब क्रेब साइकिल का सीक्वेंस चल रहा होता है, सबसे पहला 5 कार्बन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड कब बनता है, ध्यान दीजिए सबसे पहला स्टेबल क्या है, ट्राई कार्बोक्सिलिक, पर वहाँ पूछा 5 कार्बन वाला डाई कार्बोक्सिलिक एसिड कब बनता है, तो ये आप देखिए, देखिए यहाँ पे 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक, ये भी ट्राई कार्बोक्सिलिक, ये भी ट्राई कार्बोक्सिलिक, ये देखिए डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, और यहाँ पे कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, तो क्या होना चाहिए आंसर आपका, अल्फा कीटो ग्लूटरेट। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं 30। क्रेब साइकिल इज कॉल्ड ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल एज इट प्रोड्यूसेस अ ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड नेमली। ठीक, तो ये भी आसान है, कह रहा है क्रेब साइकिल को हम ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल क्यों बोलते हैं, कि ये एक ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोड्यूस करता है, उसका क्या नाम है, अल्फा कीटोग्लूटरेट, आइसोसाइट्रिक एसिड, मैलिक एसिड या ऑक्सैलोएस्टिक एसिड। तो आप देखेंगे क्या बोला है, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड किस में है आपका, मैलिक एसिड बोल रहा है, मतलब मैलेट, पर मैलेट तो है नहीं, मैलेट क्या है, मैलेट एक डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक, तो इसमें आप देखेंगे सही क्या है, आइसो अल्फा कीटोग्लूटरिक एसिड, देखिए डाइकार्बोक्सिलिक है। ठीक, ऑक्सैलोएस्टिक एसिड, ऑक्सैलोएस्टिक एसिड, ये भी देखिए डाइकार्बोक्सिलिक, ट्राई में केवल एक ही आता है वो है आइसोसाइट्रिक एसिड, आइसोसाइट्रिक एसिड, ये देखिए ये आइसोसाइट्रेट, ये 1 2 3 ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड है, तो यहाँ पे करेक्ट क्या होगा आपका, सेकेंड, तो आप सेकेंड लगाइए, ये नहीं लगाइए।
तो अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 31 पे। द फाइनल आउटपुट ऑफ क्रेब साइकिल इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। पूछ रहा है कि क्रेब साइकिल का फाइनल आउटपुट कौन सा इसमें से नहीं है। इसके लिए मैंने आपको हर जगह जो है क्रेब साइकिल का फिगर दिखाया है। जैसे ये है आपका TCA साइकिल, इसे क्रेब साइकिल भी कहते हैं। इसमें आपको देखना है कि इसका आउटपुट क्या क्या है। जैसे यहाँ पे मान लीजिए H2O निकला, फिर एक जगह पे आपका NADH है, CO2 है, फिर एक जगह पे आपका GTP निकलता है, FADH2 निकलता है, NADH निकलता है। ये सारे आपके क्रेब साइकिल के प्रोडक्ट हैं। आपको ऑप्शन में देखना है कि कौन सा क्रेब साइकिल का यहाँ पे प्रोडक्ट नहीं है। जैसे मैंने आपको बोला है ग्लाइकोलिसिस का जो स्टेप है वो आपको याद रखना है, TCA साइकिल का जो भी सारे स्टेप हैं, जो प्रोडक्ट हैं, क्या क्या बन रहा है, एक सीक्वेंस में कौन कौन से स्टेप आते हैं वो आपको याद रखना है, और जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन में चीज़ें हैं कॉम्प्लेक्स वगैरह वो आपको सारी चीज़ें याद रखनी है। तो यहाँ पे आप देखेंगे CO2 तो आपका निकलता ही है, ATP जो GTP है, यही इसको ATP भी आप समझ लीजिए बोलते हैं, इक्विवेलेंट होता है ATP के, तो ये भी वहाँ पे निकलता है, FADH2 भी निकलता है। लेकिन यहाँ पे जो आपके ऑप्शन में दिया हुआ है NADP, NADP आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा, NADH है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे NADP क्रेब साइकिल का प्रोडक्ट नहीं होता है। ठीक है, आपको डिफरेंसेस पता होंगे, कहीं कहीं पे NADH निकलता है, कहीं कहीं पे NADPH निकलता है, तो क्रेब साइकिल में ये वाला हिस्सा नहीं है इसका। ओके, क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं। अ सिंगल टर्न ऑफ क्रेब साइकिल ईड्स। पूछ रहा है कि सिंगल टर्न जो चलता है क्रेब साइकिल का, वो उसमें क्या क्या प्रोडक्ट मिलता है हमें। तो सिंगल टर्न जो है क्रेब साइकिल का, उसका मतलब ये हुआ जब आप ग्लूकोज से स्टार्ट करते हैं ग्लाइकोलिसिस में, ग्लूकोज आपका ग्लूकोज दो पाइरवेट में टूटता है, और जो आपके दोनों पाइरवेट वहां पे बनते हैं वो एक पाइरवेट जाता है एक क्रेब साइकिल में, दूसरा पाइरवेट जाता है दूसरे क्रेब साइकिल में। फर्दर वहां पे पाइरवेट का ऑक्सीडेशन होता है, एक्चुअली क्रेब साइकिल में जाता है आपका एस्टर कोएंजाइम में, तो वो जो होता है उसको हम एक टर्न बोलते हैं। तो वही पूछ रहा है इसमें कि एक टर्न जो है क्रेब साइकिल का वो क्या यील्ड करता है। जो आप यहाँ पे फिगर देख रहे हैं ये एक टर्न है, यहाँ पे पाइरुवेट रहता से ग्लूकोस का जो ग्लाइकोलाइसिस में वो होता है, मतलब दो पार्ट उसमें, दो आपका मॉलिक्यूल बनता है पाइरुवेट का, फिर पाइरुवेट का एक मॉलिक्यूल एस्टर कोएंजाइम बनाता है, दूसरा भी एस्टर कोएंजाइम बनाता है, वही एस्टर कोएंजाइम में एक जाता है क्रेब साइकिल में, दूसरा भी वैसे अपने क्रेब साइकिल में जाता है। तो ये एक टर्न हुआ। अब इसमें आपको देखना है कि कितनी बार क्या क्या चीज़ें निकली हुई हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे NADH, यहाँ पे आपको एक दो तीन तीन बार आपको NADH मिलेगा, एक बार आपको FADH2 मिलेगा, और एक बार आपको GTP मिलता है। ठीक है, CO2 भी यहाँ पे दो बार निकला हुआ है। तो हम ऑप्शन में देखेंगे, ये देखिए मैंने आपसे बोला कि एक बार वहाँ पे आपको FADH2 निकलेगा, तो ये तो आपके तीन ऑप्शन में है। फिर आप जाएंगे NADH2 के पास और आप देखेंगे कि आपके क्रेब साइकिल में तीन NADH2 निकलता है, एक इस स्टेप में, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो ये यही आपका सही है, एक ही GTP आपका निकलता है यहाँ पे। तो आप जाएंगे ऑप्शन नंबर 2 के साथ में और यही इसका ऑप्शन सही होगा। ओके, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं। द मैकेनिज्म ऑफ ATP फॉर्मेशन बोथ इन क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया इज एक्सप्लेन्ड बाय। ठीक है, पूछ रहा है कि क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में जो ATP का फॉर्मेशन है आप किससे एक्सप्लेन करते हैं। कोलोडिनाइवेंट्स मॉडल, मंच हाइपोथेसिस, रिले पंप थ्योरी ऑफ गोल्डेवस्काई और कीमोऑस्मोटिक थ्योरी। तो आप जब कीमोऑस्मोटिक थ्योरी पढ़ते हैं वहाँ पे आपको बताया जाता है कि क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में कैसे ATP का फॉर्मेशन होता है। तो ये आपको डायरेक्ट याद करना है किस कीमोऑस्मोटिक थ्योरी में। ठीक है, कैसे वहाँ पे प्रोटॉन मोटिव फोर्स वगैरह बनता है, ये सारी चीज़ें हैं क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में। तो आप कीमोऑस्मोटिक थ्योरी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा जो कि आपका पीटर मिचेल ने दिया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं। कन्वर्जन ऑफ पायरविक एसिड इनटू एथिल अल्कोहल इज फैसिलिटेटेड बाय द एंजाइम। पूछ रहा है कि जो पायरविक एसिड से एथिल अल्कोहल बनता है वो किस एंजाइम से फैसिलिटेटेड होता है। तो ये आता है आपका जब फर्मेंटेशन में, मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे टाइप के फर्मेंटेशन होते हैं आपके, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, एसिटिक एसिड फर्मेंटेशन एंड ब्यूट्रिक एसिड फर्मेंटेशन। और ये जो आपका है पारविक एसिड एथिल एल्कोहल में जब कन्वर्ट होता है, इस टाइप के फर्मेंटेशन को हम एल्कोहलिक फर्मेंटेशन बोलते हैं। ये मोस्ट कॉमन टाइप है आपका फर्मेंटेशन का, ये कुछ फंजाई में होता है, कुछ हायर प्लांट्स में होता है ड्यूरिंग एनएरोबिक कंडीशन, और ये दो स्टेप में होता है।
पहला स्टेप आप देखेंगे पायरुविक एसिड जो होता है एसिटाल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है, और सेकेंड जो होता है एसिटाल्डिहाइड एथिल अल्कोहल में कन्वर्ट होता है। और यहाँ पे दो एंजाइम आपके लग रहे हैं, फर्स्ट स्टेप के लिए डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम लगता है और सेकेंड स्टेप के लिए आपका एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम लगता है। तो ऑप्शन के साथ अब जो आप जो जाएंगे आपका कार्बोक्सिलेज है, फॉस्फेटेज है, डिहाइड्रोजिनेज है, और चौथे ऑप्शन में आपको डी कार्बोक्सिलेज और डिहाइड्रोजिनेज दोनों मिलेंगे। और आप देख रहे हैं यहाँ पे जो रिएक्शन है फर्स्ट एंड सेकेंड, यहाँ पे फर्स्ट में आपका डी कार्बोक्सिलेज है और सेकेंड में आपका एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज है, और यही दोनों एंजाइम है जो कन्वर्जन जो होता है आपका पायरुविक एसिड का एथिल एल्कोहल में, उसमें ये दोनों एंजाइम फैसिलिटेट करते हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका सही होगा। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 35 पे। द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस इज, कह रहा है ग्लाइकोलिसिस का एंड प्रोडक्ट क्या होता है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया और अभी भी बता रहा हूँ कि ग्लाइकोलिसिस में एक्चुअली ग्लूकोज पाइरुवेट में कन्वर्ट होता है, फिर पाइरुवेट का ऑक्सीडेशन होता है, पाइरुवेट के ऑक्सीडेशन में पाइरुवेट कन्वर्ट होता है एस्टिल कोएंजाइम में, और यही जो आपका एस्टिल कोएंजाइम होता है ये जाता है क्रेब साइकिल में। तो ये इंपॉर्टेंट वो है आपका ग्लाइकोलिसिस, इधर क्रेब साइकिल, फिर क्रेब साइकिल से जो आपका FADH2 और NADH2 निकलता है उससे हम ATP जनरेट करते हैं जब वहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन मतलब हमारा सेल चलाता है। तो ग्लाइकोलिसिस का सीधा सा आंसर ये है कि ग्लाइकोलिसिस में हम ग्लूकोज से दो पायरुवेट बनाते हैं। तो इसीलिए जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फोर, पायरुवेट। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस इन सेलुलर रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन के इसमें सारे स्टेजेस आपको एक सीक्वेंस में बताने हैं। तो वही है, सबसे पहले आपका ग्लाइकोलिसिस होता है, ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज से पायरुवेट बनता है, फिर साइट्रिक एसिड साइकिल होता है जो पायरुवेट से एस्टिल कोएंजाइम में बनता है, वो जाता है आपका साइट्रिक एसिड साइकिल में, या जिसे आप क्रेब साइकिल बोलते हैं, और लास्ट में जो उसके मैंने आपको बोला FADH2 या NADH2 जो भी उसमें निकलता है वो जाता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोलेशन में, जहाँ पे ऑल टोटल 38 ATP जनरेट होते हैं। तो यही जो सेकेंड वाला ऑप्शन है यही करेक्ट सीक्वेंस है सेलुलर रेस्पिरेशन का। ओके, तो हमारा चैनल बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे है, यूट्यूब पे तो आप ये वीडियो देख ही रहे हैं, फेसबुक पे हमारा पेज है, व्हाट्सएप पे भी हमारा ग्रुप है, टेलीग्राम पे भी है, मास्टर्स ऑफ बॉटनी आप सर्च करेंगे तो वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट हैं। आप जुड़िए हमसे, क्वेश्चन अपने शेयर कीजिए, बहुत सारे लोग हैं जो आपके क्वेश्चन का आंसर देंगे। ओके, तो चलता हूँ मैं, मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में जो कि होगा आपका प्लांट हार्मोन्स पे, वो वीडियो देखना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।